हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे न्यू वीडियो में। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई लोग, आज हम बना रहे हैं गणेश जी जो कि वायलिन बजाने वाला। तो भाई लोग, अभी हम एक पतला सा गोला सा लेके वहाँ पे छोटा छोटा कॉइल करके सब साइड में दे देंगे और इसे थोड़ा सा फ्रेश स्प्रे करके सब में कर देंगे। और इसे गाइस हम हाथ बना रहे, तो इसी तरह उंगलियां भी खींच लेंगे, देख सकते हो इसी तरह खींच लेंगे। और खींचने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कॉइल थोड़ा पतला सा कॉइल बना के यहाँ पे चिपका देंगे सब तरफ, तो इसी तरह कर देंगे। फिर यहाँ इसको हमने चिपका देंगे इस आसन पे जो कि बनाए थे, इस आसन पे चिपका देंगे पीछे की साइड। भाई लोग देख सकते हो, अभी हम एक लकड़ी लेके वहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हमने फेर बनाएंगे, मतलब वहाँ पे ठीक है थोड़ा बहुत कड़े रहने के लिए ना, तो इसलिए वहाँ पे लकड़ी डाल दिए और पैर बना देंगे इस तरह। और एक बात गाइस, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ज़रूर कीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो गाइस आगे बनाते हैं, बने रहना वीडियो के अंत तक। भाई लोग अभी देख सकते हो हाथ बना रहे जो कि एक मतलब कोयल बना के वहाँ पे जितना भी गोला सा बना के लंबा बना के यहाँ पे लगा देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे सब निकाल लेंगे। और इसी तरह दूसरा हाथ भी बना लेंगे। भाई लोग अभी बना रहे हैं धोती जो कि देख सकते हो भाई। और भाई एक बात, तो ऐसा ही बोलता रहूँगा तो भाई आप लोग तो बोर हो जाओगे, इसलिए भाई थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मतलब मज़ा आने के लिए भाई बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वीडियो भी देख लो। और हाँ गाइज, यदि कहाँ पे भी आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप गणेश चतुर्थी के अवसर पर ऐसे मूर्ति बनाना चाहते हो तो मतलब बना रहे हो तो चलो इसे बनाते हैं, आप लोग ज़रूर बने रहना वीडियो में।
अभी भाई लोग देख सकते हो अभी हम वायलिन बना चुके हैं, मतलब वायलिन बजाने वाला गणेश जी है ना, इसलिए वायलिन बना लिए। मतलब गोला सा लेके थोड़ा बहुत प्रेस करके वहाँ पे कोयल लेके उसे भी पतला करके बस चिपका देंगे, हो गया वायलिन। और भाई लोग कैमरा ऊपर हो गया, अब मतलब कैमरा ऊपर हो गया और नीचे की साइड बना रहा था तो दिखा नहीं पाया। और ऐसे करके उंगलियाँ भी बना देंगे, तो इसी तरह बना देंगे। चलो और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अभी भाई लोग देख सकते हो अभी हम एक लकड़ी लेके वहाँ पे गोला सा एक डाल दिए मिट्टी, तो भाई ऐसे करके वहाँ पे डाल देंगे, मतलब ये माथे बना रहे यार। और चलो इस तरह बनाएंगे। और हाँ, एक यहाँ पे वो चिपकाने के बाद गाइज वो पुतला से लंबा सकल लेके वहाँ पे सुंड बना लेंगे, मतलब ऐसे करके देख सकते हो ऐसे करके बना देंगे और वहाँ पे चिपका देंगे और साइड साइड पे मिट्टी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे भर देंगे और बना देंगे। तो बने रहना वीडियो में, ज़्यादा बोलता रहूँगा तो और आप लोग भर जाओगे। भाई लोग अभी देख सकते हो दो हाथ को बना रहे हैं, मतलब पीछे की साइड में जो होता है ना दो हाथ बना रहे हैं, मतलब इसे बना पहले बना देते तो भाई कुछ उल्टा सीधा हो जाता, मतलब कुछ टूट जाता भी, इसीलिए सोचा कि इसे लास्ट में बनाया जाए। अभी देख सकते हो भाई लोग अभी हम बना रहे हैं मौसीकराज जो कि गिनी बजा रहे हैं। तो भाई मौसीकराज के साथ बनाने के साथ भाई कंप्लीट हो चुका है हमारा, मतलब ये लास्ट बचा ही, इसे बनाने के बाद मूर्ति कंप्लीट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम। और
शुरू से अंत तक देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद।